आज हम बात करेंगे पांच ऐसे पॉप कल्चर के कैरेक्टर्स के बारे में जो कि ओवर पावर्ड है और उनको बीट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो हाँ, अपने अपने गेस्ट जो है फटाफट से कर लो। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहला कैरेक्टर है गोकू। अब भाई गोकू के बारे में मैं क्या बोलूं, आई थिंक एनिमे को देखा जाए ना, अगर एनिमे कम्युनिटी को देखा जाए ना, तो सारी की सारी एनिमे कम्युनिटी इस बात के ऊपर एग्री करेगी कि गोकू से ज्यादा पावरफुल एनिमे कैरेक्टर कोई भी नहीं है। अगर बात करें गोकू की ना, तो गोकू की जो इंस्पिरेशन ली गई थी वो ली गई थी जैकी चैन से और ब्रूस ली से, और एक ऐसा कैरेक्टर डिजाइन करने की कोशिश गई थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो। अब गोकू को अगर देखा जाए ना, तो गोकू बचपन में सिर्फ एक छोटा बच्चा होता है एक मंकी टेल के साथ में, जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। लुक्स सोचते हैं इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन गोकू जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसकी पावर्स जो है उसके अंदर मैनिफेस्ट होती है, और गोकू के पास ऐसी ऐसी पावर्स है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। गोकू के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर हीलिंग, वो उड़ भी सकता है, टेलीकिनेसिस यूज कर सकता है। उसकी पावर का कोई सीमा नहीं है, यानी कोई लेवल नहीं है। शुरुआत होगी चाहे यहां से, उसकी लेवल कोई ऊपर का तो नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकता है। अपने आसपास की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने अंदर की जो चीज है उसको जगा सकता है, और भगवान जाने वो क्या क्या कर सकता है। और मुझे लगता है कि हाँ, अगर एनिमे को देखा जाए, अगर सिर्फ एनिमे को देखे ना, तो गोकू इज द बेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर एवर। मैं एनिमे की बात कर रहा हूं सिर्फ, बाकी और पॉप कल्चर में और कैरेक्टर्स भी हैं, बट हाँ एनिमे को अगर देखा जाए ना, तो गोकू से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, और गोकू को हराना नियर टू इम्पॉसिबल है। जी हाँ, गोकू को आप हरा नहीं सकते। नंबर टू है साइतामा। अब अगर साइतामा के बारे में बात करें, तो साइतामा अगर आप देखोगे उसको तो एकदम लल्लू सा लगता है, लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसने फिजिकल ट्रेनिंग करके एक ऐसी पावर को अचीव किया जो कि किसी के पास भी नहीं है। साइतामा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी लाइफ को लेकर बोर हो चुका है। मतलब कितने बड़े से बड़ी थ्रेट उसके सामने क्यों ना हो जाए, वो एक पंच मार के उसको खत्म कर सकता है। याद है वो सीन जब सीजन 2 में वन पंच मैन के एक बहुत ही बड़ा एक बंदा आता है, कहता है मैं इतने सारे यूनिवर्स के अंदर घूमा, मुझे कोई भी बंदा नहीं मिला, और साइतामा उसको एक पंच के अंदर खत्म कर देता है। तो साइतामा एक ऐसा ओवर पावर कैरेक्टर है जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, और आई थिंक साइतामा के जो क्रिएटर्स है ना, उन्होंने मजे लिए हैं, उन्होंने मजाक किया है दुनिया के साथ में कि हाँ भाई, हम तुम्हें एक ऐसा कैरेक्टर देने वाले हैं जिसको कोई बीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई इसको बीट करने आएगा तो वो एक पंच मार के इसको खत्म कर देगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि क्या आपके हिसाब से साइतामा एक ओवर पावर कैरेक्टर है या नहीं है, और क्या वो गोकू को बीट कर सकता है। तीसरे नंबर पे आता है सुपरमैन। अब अगर बात करें सुपरमैन की ना, तो सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आई थिंक बीट करना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। अब ये मत बोलना कमेंट सेक्शन के भाई, अगर सारे कैरेक्टर को बीट करना इम्पॉसिबल है तो सारे एक दूसरे पे बढ़ा दोगे तो क्या होगा। देखो भाई, सबकी जो फैन फॉलोइंग है वो अलग अलग है, सबके जो कल्चर है, जो यूनिवर्स है वो भी अलग अलग है। बात करें अगर सुपरमैन की ना, तो सुपरमैन एक बेसिक कैरेक्टर है जो कि सुपर ह्यूमन है। अब सुपरमैन के कैरेक्टर की जो पावर्स है एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। सुपर स्ट्रेंथ, उड़ भी सकता है, बहुत अलग अलग पावर्स है उसके अंदर, आई थिंक आइस कोल्ड ब्रेथ भी उसके पास, पता नहीं क्या क्या उसके पास में। लेकिन सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है कि अगर वो अपनी औकात पे आ जाए ना, तो उसके सामने कोई भी कैरेक्टर टिक नहीं सकता। वैसे तो पॉप कल्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे सुपर हीरो हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि सुपरमैन से फाइट कर चुके हैं, लेकिन सुपरमैन अभी भी टॉप पे आता है। सुपरमैन से बढ़िया कोई भी कैरेक्टर नहीं है अगर कॉमिक्स में देखा जाए तो। और मुझे लगता है कि हाँ, अगर बेसिक सुपर ह्यूमन बनाना है ना तुम्हें जिसके अंदर सारी पावर हो, तो हाँ सुपरमैन ही उसका बेस होगा। और मुझे लगता है कि अगेन सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बीट करना नियर टू इम्पॉसिबल है, अनलेस यू हैव क्रिप्टोनाइट। नंबर दो पे आता है एलियन एक्स। अब बेन 10 के जितने फैन है वो सारे के सारे चौंक गए होंगे, खुश हो गए होंगे, हाँ भाई हमारा नंबर आ गया। अब एलियन एक्स एक ऐसा एलियन है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर आप बालो साइतामा, गोकू और सुपरमैन को साथ में मिला दो, तो एलियन एक्स क्या करेगा? एलियन एक्स एक दूसरा यूनिवर्स ही बना देगा जहां पे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एलियन एक्स एक ऐसा बंदा है जिसको अगर छोटी सी माइनर कन्वीनियंस होगी ना, यानी कुछ अगर दिक्कत परेशानी होगी ना, तो वो दूसरा यूनिवर्स बना सकता है, टाइम को पीछे ले जा सकता है, एक नई दुनिया बना सकता है, एक नई टाइमलाइन बना सकता है, एक ऐसा वर्ल्ड बना सकता है जहां पर कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट ना करती हो, और वो बेसिकली जो आप सोच सकते हैं वो एलियन एक्स कर सकता है। लेकिन एलियन एक्स की प्रॉब्लम यही है कि उसको अपने वो मेल और फीमेल काउंटर पार्ट को एक तरह से मिलाना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है, अदरवाइज की पावर्स काम नहीं करते। लेकिन हाँ, एलियन एक्स इज वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर्ड कैरेक्टर एवर। और लास्ट कैरेक्टर है जो कि ओवरपावर्ड है और उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो है हमारा क्रेटोस। जी हाँ,
गॉड ऑफ वॉर का हमारा मेन जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि क्रेटोस, और क्रेटोस को तो भाई ग्रीक पैंथियन हरा नहीं पाया, अब नॉर्स पैंथियन के अंदर वो ऑलरेडी है, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक आने वाली है जहां पर वो थॉर से भिड़ने वाला है और उसको हराना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि इसको कोई हरा देगा, बट आप ये मत भूलना कि क्रेटोस एक ऐसा बंदा है जो कि अंडरवर्ल्ड में से बाहर आ गया। जी हाँ, ज़ूस को उसने इतने कुत्ते तरीके से मारा ना, हरक्यूलिस को इतने गंदे तरीके से मारा, हरमीस को मारा, और पता नहीं कितने कैरेक्टर को इतने गंदे तरीके से फैल चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। लिटरली ही इज अ गॉड किलर। अगर आप सोच रहे हो कि भगवान बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं दूसरी मैथोलॉजी के, जैसे कि नॉर्थ मैथोलॉजी के या फिर ग्रीक मैथोलॉजी के, तो अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं तो हाँ भाई, ये वही बंदा है जो कि थॉर के चीथड़े करने वाला है और उसके पेट में तलवार डाल के ना पता नहीं क्या क्या करने वाला है। क्रेटोस एक ऐसा बंदा है जिसको मारना पॉसिबल ही नहीं है और आई थिंक वो कभी मर भी नहीं सकता। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेटेस्ट चिल्लर के अंदर एक डायलॉग है क्रेटोस का जो कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक को लेकर आया है। वो बोलता है, डेथ कैन हैव मी व्हेन इट अर्न्स मी। जी हाँ, डेथ कैन हैव मी व्हेन इट अर्न्स मी। डेथ मुझे कमा लेगी तो वो मेरी हो सकती है, मतलब इतना खतरनाक डायलॉग मुझे लगा। मैंने कहा भाई साहब वाह क्या बात है। और हाँ, जब टीयर से वो मिलता है तो टीयर कहता है गॉड किलर। आई नो यू God killer. एक ऐसा बंदा जो कि गॉड को मार देता है सिर्फ और सिर्फ अपने मोटिव्स के लिए। लेकिन हाँ, क्रेटोस को भी शायद ओवरपावर किया जा सकता है इफ यू हैव एट्रियस, क्योंकि देखो बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ एट्रियस है इसकी दुनिया में, तो शायद एट्रियस का इस्तेमाल करके क्रेटोस को भी हार्म किया जा सकता है। लेकिन अगर अकेले क्रेटोस को देखे ना, तो क्रेटोस एक ऐसा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है जिसको बीट करना अगेन इम्पॉसिबल है। तो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से इन पांच कैरेक्टर्स में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको बीट करना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है ना। जैसे और बहुत सारे कैरेक्टर और हो सकते हैं, आपके हिसाब से अगर कोई और कैरेक्टर है जिसको बीट करना पॉसिबल नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। क्या मेरी चॉइसेस अच्छी लगी ये भी बताना। अभी एम करते हैं इस वीडियो पे 2000 लाइक का। मुझे पता है तुम लोग लाइक नहीं करोगे इसलिए वीडियो की रीच नहीं आती, इसलिए व्यू नहीं आते, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना रीच के लिए। यूट्यूब को ये एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो पे लाइक आए और कमेंट आए, तो प्लीज कर देना इफ यू वांट टू सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।